डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे नोजल के जो थ्रॉट डायमीटर होता है और एग्जिट डायमीटर उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें कि हम देख रहे हैं कि ट्राई सैचुरेटेड स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 8 बार इंटर से कन्वर्जेंट डायवर्जेंट नोजल एंड लीव एट ए प्रेशर ऑफ 1.5 बार। तो जो शुरुआत में स्टीम नोजल के अंदर आ रही है जो कि कन्वर्जेंट डायवर्जेंट टाइप का है, उसका प्रेशर 8 बार है, और जब लीव करी नोजल से तो उसका प्रेशर 1.5 बार है। If the flow is isentropic and the corresponding expansion index is 1.135, तो यहाँ पे जो expansion हो रहा है nozzle के अंदर उसे हम isentropic expansion मान रहे हैं और उसकी index value 1.135 दी है। Find the ratio of cross-sectional area at the exit and the throat for the maximum discharge condition। तो हमें एक ratio निकालना है कि exit और throat के बीच में diameter ratio या बोलना चाहिए उनका एरिया का जो रेशियो है वो कितना रहेगा यदि मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है। तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डेटा गिवन लिखते हैं, तो यहां पे वही काम करेंगे। डेटा गिवन P1 इज 8 बार, ये इनिशियल प्रेशर है। P2 जिसे कि हम P3 भी बोल सकते हैं क्योंकि यहां पे एग्जिट कंडीशन हो रही है स्टीम की, तो ये एग्जिट प्रेशर है। एंड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की वैल्यू 1.135 है। हमें जो निकालना है वो रेशियो निकालना है एग्जिट और थ्रॉट एरिया के बीच का। तो जो फार्मूले इसमें यहां पे इस्तेमाल होंगे वो ब्रीफिंग कर देते हैं आपको। सबसे पहला फार्मूला जो यूज होगा वो मास फ्लो रेट के लिए रहेगा, जो कि m इज इक्वल टू a2 v2 अपॉन x2 और vg2 रहता है। तो ये फार्मूले के हिसाब से जो a2 है ये थ्रॉट एरिया है, v2 जो है वेलोसिटी है थ्रॉट पोर्शन पे, x2 इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन जो कि थ्रॉट सेक्शन में मिलेगी, और vg2 जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है एट द प्रेशर ऑफ P2 जो कि अभी हम निकालेंगे एट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे A3 V3 अपॉन X3 VG3, तो ये भी हम लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला जो रहेगा ये प्रेशर रेशियो का रहेगा जो कि P2 बाई P1 है, और ये रहता है 0.577 यदि स्टीम की कंडीशन ड्राई एंड सैचुरेटेड है उस कंडीशन के लिए। तो यहां पे n की वैल्यू दी हुई है 1.135 क्योंकि स्टीम ड्राई एंड सैचुरेटेड है। तो एक डायग्राम हम देखेंगे यहां पे जिसमें कि स्टीम एक्सपांड हो रही है आइसेंट्रॉपिकली, जिसे कि मॉले डायग्राम बोलते हैं, और मॉले डायग्राम का मतलब होता है एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी। तो एंथैल्पी को हम एस से शो करते हैं और एंट्रोपी को हम एस से शो करते हैं। तो यहां पे वही डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले ड्राई सैचुरेटेड लाइन बनती है, ये ड्राई सैचुरेटेड लाइन है, स्टीम एक्सपांड हो रही है यहां से, एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, ये प्रेशर की लाइन होगी जैसे कि हम P1 बोल रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रेशर जो कि अभी हम निकालेंगे जिसे कि थ्रॉट प्रेशर बोलेंगे, तीसरा प्रेशर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो P1 की वैल्यू 8 बार ये गिवन है, इनिशियल प्रेशर है। P3 की वैल्यू 1.5 बार ये यहां पे दी हुई है। तो स्टीम एक्सपांडेड आइसेंट्रोपिकली, तो पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं क्योंकि ये ड्राई सैचुरेटेड कर्व है। तो यहां पे पॉइंट ए एक्सपांशन किया यहां तक, बी आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है, फिर सबसिक्वेंट एक्सपांशन हो रहा है सी पॉइंट तक, ये पॉइंट सी कहलाएगा। तो यहां पे जो ड्राइनेस मिलेगी ये x2 रहेगी मॉले डायग्राम से, इसकी वैल्यू को रीड करना है यदि हमारे पास प्रेशर की वैल्यू पता रहेगी, और करस्पॉन्डिंगली यहां पे x3 की वैल्यू जो कि ड्राइनेस सेक्शन तीसरे सेक्शन पे वो हमें रीड करनी है मॉले चार्ट से। तो सबसे पहले P2 प्रेशर निकालते हैं, तो जो फार्मूला 2 लिखा हुआ है यहाँ पे उस फार्मूले से यहाँ पे P2 इज इक्वल टू 0.577 P1 कर देंगे, तो
तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी पी टू की, क्योंकि पी वन अपने पास 8 बार दिया है, तो यहां से पी टू की जो वैल्यू निकल के आएगी 4.616 बार, ये वैल्यू निकल के आएगी। एंड मॉलर चार्ट से हमें जो वैल्यू मिलेगी, ये पहला पॉइंट है, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी H1 की वैल्यू मिलेगी, एंथैल्पी जिसे H1 बोलेंगे, यहां से वैल्यू हमें H2 मिलेगी, और इस पॉइंट से हमें वैल्यू S3 मिलेगी। तो ये वैल्यू को हम यहां पे साइड में लिख सकते हैं, फ्रॉम मॉलर चार्ट कौन कौन सी हमें वैल्यू मिल रही है। सबसे पहले H1 की वैल्यू मिली है अपने को, तो 2775 किलो जूल पर केजी। H2 की वैल्यू 2650 किलो जूल पर केजी। S3 की वैल्यू 2465 किलो जूल पर केजी। X2 की वैल्यू जो कि मॉलर चार्ट से हमें मिल रही है प्रेशर P2 पे, यहां पे प्रेशर P2 आ गया था, इसकी वैल्यू आ गई है 4.616 बार, और इसी प्रेशर के हिसाब से यहाँ पे ड्राइनेस जो है निकल के आई है 0.965, जिसकी कि अभी हम बात कर रहे थे। फिर X3 की जो वैल्यू है ये प्रेशर P3 पे मिलेगी, और मॉलर चार्ट से हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू को, 0.902 वैल्यू है इसकी, ये यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर स्टीम टेबल से, फ्रॉम स्टीम टेबल्स हमें जो दूसरी वैल्यू मिलेगी, जैसे कि हम स्पेसिफिक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, तो प्रेशर P2 पे एट P2 प्रेशर जो कि 4.616 बार है, तो यहां पे VG2 की वैल्यू जो है 0.405 मीटर क्यूब पर केजी। एट प्रेशर P3 प्रेशर पे जो कि अपने पास 1.5 बार है, यहां पे VG3 की वैल्यू जो रहेगी 1.59 मीटर क्यूब पर केजी रहेगी। फिर हीट ड्रॉप की यदि हम बात करें, क्योंकि हमारे पास एंथैल्पी H1 आ चुकी है, H2 आ चुकी है, तो हीट ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो हीट ड्रॉप बिटवीन इनलेट एंड थ्रॉट, ये हमारे पास आ जाएगा, इसके लिए फार्मूला रहेगा HG2 इज इक्वल टू H1 माइनस ऑफ H2 इक्वल टू, H1 की वैल्यू अपने पास है 2775 माइनस ऑफ H2 की जो वैल्यू है 2650, तो HG2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये है 125 किलो जूल केजी। इसी तरीके से जो वेलोसिटी है उसके लिए हमें फार्मूला पता है V2 इज इक्वल टू 44.72 अंडर रूट ऑफ HG2, तो यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से 44.72 और जो HG2 की वैल्यू आई है 125, तो वेलोसिटी निकल के आएगी हमारी 500 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद हमारा जो मास है उसके लिए फार्मूला, जैसा कि हमें पता है A2V2 अपॉन X2VG2 होता है, तो यहां पे हमारे पास V2 पता है, X2 अपने पास निकल के आ चुका है, VG2 की वैल्यू ये हमारे पास अवेलेबल है, तो यहां से जो A2 है वो हम निकाल सकते हैं। तो A2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पे भी लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू फार्मूले के फॉर्म में MX2VG2 अपॉन V2, ये हम लिख सकते हैं, और A2 हमारे पास जो वैल्यू आएगी M मल्टीप्लाई बाई, चूंकि M पता नहीं है, 0.965 X2 मल्टीप्लाई बाई 0.405 अपॉन 500 जो कि वेलोसिटी आई है V2 थ्रॉट सेक्शन में, इनलेट और थ्रॉट सेक्शन में, तो A2 निकल के आएगा 0.000786 M के फॉर्म में, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमें हीट ड्रॉप निकालना है,
हीट ड्रॉप बिटवीन इनलेट एंड एग्जिट, जिसके लिए फार्मूला रहेगा एच डी थ्री इज इक्वल टू एच वन माइनस ऑफ एस थ्री, और एच वन की वैल्यू है 2775 माइनस ऑफ एस थ्री की वैल्यू है 2465, तो एच डी थ्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 310 किलो जूल पर केजी, और जो वेलोसिटी रहेगी ऑफ स्टीम एट एग्जिट, उस वेलोसिटी को हम फार्मूला यहां पे लगा देंगे जिसे हम V3 लिख रहे हैं, 44.72 HD3, तो V3 इज इक्वल टू 44.72, और जो हमारे पास अंदर HD3 है उसकी वैल्यू को यहां पे पुट अप कर देंगे, तो V3 निकल के आएगा हमारा यहां पे 787.4 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास जो मास है उसको निकालने के लिए फार्मूला जो है यहां पे हम लिख देंगे, m इज इक्वल टू ए थ्री वी थ्री अपॉन एक्स थ्री वी जी थ्री। तो जैसा काम हमने यहां पे किया था, मास इज इक्वल टू ए टू वी टू अपॉन एक्स टू वी जी टू लिख के, तो उससे हमने ए थ्री निकाल लिया था, इसी तरीके से यहां पे हम चेंज करेंगे, ए थ्री इज इक्वल टू लिख सकते हैं मास एक्स थ्री VG3 अपॉन V3, तो इससे हमारे पास जो A3 की वैल्यू आएगी वो आएगी मास मल्टीप्लाई बाई X3 की वैल्यू, हमें पता है X3 की वैल्यू हमारे पास 0.902 मल्टीप्लाई बाई VG3 जो हमारे पास है 1.59 डिवाइड बाई V3, V3 की वैल्यू हमारे पास 787.4 मीटर पर सेकंड आई है, तो हमारा जो A3 आया है वो हम मास के फॉर्म में यहां पे लिखेंगे 0.00133 m। इसको हम इक्वेशन नंबर टू कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन में हमने देखा था A2 हमारा थ्रॉट एरिया आया था और जो A3 है ये हमारा एग्जिट एरिया है, तो हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है एग्जिट एरिया और इनलेट एरिया थ्रॉट एरिया का। तो थ्रॉट एरिया हमारे पास आया है 0.000786 m के फॉर्म में। तो अब जो लास्ट अपना फार्मूला लगेगा वो हम लगाएंगे सिक्स नंबर का, रेशियो ऑफ एग्जिट डायमीटर टू थ्रॉट डायमीटर। तो A2 हमारे पास थ्रॉट डायमीटर था और A3 जो है एग्जिट डायमीटर है, तो A3 बाई A2, और A3 की जो वैल्यू है ये है 0.00133 m, A2 की जो वैल्यू है 0.000786 m, तो ये m से m कैंसिल कर देंगे हम, तो जो रेशियो है A3 बाई A2 का ये हमारे पास वैल्यू आएगी 1.7 जो कि हमें यहां पे चाहिए था, इसको हमने आंसर करके लिख दिया।